क्वेश्चन किए थे भाई, हो गए हुए नहीं? दिखाओ क्या करें। देखिए जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उन्होंने तो लगभग सारे ही किए हैं, एक गलत है, तो एक क्या दो में मिस्टेक्स हैं। यानी कि अपना कुछ करने के तरीके होते हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन था NP6, पहले मैं क्वेश्चन समझा दूँ उसके बाद इसमें भी करूँ। इक्वल टू 30 NP4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि लोवेस्ट डिजिट क्या है, 6 है या 4 है। 4 है ना, तो 6 को हम 4 पे ला के छोड़ें कैसे, या पहले आप डायरेक्ट इसको फैक्टोरियल n n-6 फैक्टोरियल और 30 इंटू फैक्टोरियल n और n-4 फैक्टोरियल। अब देखें एन से तो एन कैंसिल हो जाएगा, ये n-6 है और n-4। अगर हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो -1 और बढ़ता चले जाएगा। क्या 6 को हम 4 पे ला सकते हैं? पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हाँ 4 से 6 बन सकता है। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-4 n-5 और n-6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। और यहाँ क्या हुआ, n-6 फैक्टोरियल, n-6 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, ये आया n-4 और n-5 इक्वल टू 30, ठीक है। और जो हम नॉर्मली देखते हैं 30 के ऐसे क्या होंगे फैक्टर, 6 × 5 होगा, 6 और 5, n-4 इक्वल टू, अगर 6 लग लें तो n इक्वल टू क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10-4 कितना, 6, 10-5 कितना आएगा, 5, n की वैल्यू 10 आएगी। ऐसे वैल्यू पुट करके हम इसमें देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इसके इनकी आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 30 को उधर लाइए, फिर फैक्टर होंगे और फिर पेयरिंग करेंगे तब बनेगा। हाँ हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना भाई, हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्यूशन नंबर का, वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव टाइप आना है, तो हमें तो आंसर तक पहुँचना। अब आंसर देखिए, ये कह रहा है कि 30 दो नंबर्स का मल्टीपल है, और मल्टीपल हम देख रहे हैं कि वो कैसे हैं, कंजुगेटिव हैं, क्रमागत हैं बिल्कुल, यानी कि उनमें डिफरेंस सिर्फ एक का ही है। तो 30 के फैक्टर से क्या होंगे, तो 6 और 5 या और कोई भी है, 15 2 नहीं हो सकता, 10 3 जा नहीं हो सकता, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारा है,
P13 n plus 1 P12 equal to 3:4. आजकल 11th 12th में कितना समझ में आता चैप्टर ये आ गया था सारा ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वही देखेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में लिखे हैं तो इसका कैसे लिख सकते हैं, NP13 अपॉन n प्लस 1 P12 इक्वल टू 3/4 ठीक है। NP13 को n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 13 फैक्टोरियल अपॉन प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस 12 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। यहाँ इसको हम ऐसे करते हैं, ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल n और n प्लस 1 फैक्टोरियल ठीक है, नीचे होगा हमारा n माइनस 13 फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा n माइनस 11 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4 ठीक है। फैक्टोरियल n n प्लस 1 n माइनस 11 किसके साथ आएगा ठीक है ना, और ये n प्लस n माइनस 13 और n प्लस 1 तो मैं कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो सोल्यूशन करना ही मुश्किल हो जाएगा। 11 अच्छा ये 1 रहेगा ये होगा ना। अब देखिए इसमें जो भी होना है हमें सीधा सीधा दिख रहा है, इससे इनका कैंसिल आउट होगा और इससे इसका कैंसिल आउट होगा, इसको हम n तक लाएंगे फैक्टोरियल n इसी की मदद से यहाँ लिख लेते हैं इसको n प्लस 1 और n हो गया ठीक है फैक्टोरियल भी इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा। ये 11 है n माइनस 11 n माइनस 12 और n माइनस 13 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमारा n माइनस 13 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट और ये 3/4 ठीक है। क्या करना है n माइनस 11 n माइनस 12 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 3/4 ठीक है। यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टराइजिंग में करना पड़ेगा, अगर ये ना होते तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त इसका देख लेते हैं। ध्यान रखना n की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होगी और ना ही फ्रैक्शन होगी ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जितना भी ये क्वेश्चंस हैं जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही फ्रैक्शन ठीक है। एक क्वेश्चन था, दो मनुष्य एक रेल के डिब्बे में जिसमें 6 स्थान खाली हैं जाते हैं, बताओ वह कितने भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं ठीक है। आपने लिया इसमें r इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 2p6 फैक्टोरियल 2 ठीक है। हाँ भैया चलो आप बताओ कैसे होगा, क्या कह रहे हो
चलो इससे पहले क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। 15 PR इक्वल टू 2730, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्यूशन इसकी सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कह रहा है कि हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/15 × 15 को कुछ आगे तक ले चलें, यहाँ तक देखते हैं, 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 बन जा 15, आगे 12 करिए 123, 15 8 जा 120, और फिर कितना बचे 30, 15 8 जा और फिर 15 यही होगा ना या कुछ और होगा? इसको एक और बढ़ाएं 12 × 13 13 बन जा 13 और 13 हो जा ये इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारा आया 1/15 − r·12 = 1/12 समझ में आया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 − r·12 = 12, ठीक। ये दोनों इक्वल कब होंगे? इफ 15 − r = 12, ये कब पॉसिबल है? r = 3। आपका आंसर सही है लेकिन क्वेश्चन गलत, सॉल्यूशन गलत, ठीक है। आपने एक जगह किया हुआ है 15 − r·12 = हुआ, आपने लिख दिया 15 − r·12 जो कि ऐसा नहीं होगा। फैक्टोरियल से आप इस तरह का ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते, फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, r की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आई गई ना, भी आओ छोड़ दो 6 − 2 = आपके हिसाब से ये हो गया ना, ठीक। 6 × 6 = 25 + 12 = 120 और दूनी 720, 720 − 2 कितना आया 718, और डायरेक्ट अगर उसको निकालना 4 × 4 = 12 × 24, दोनों में डिफरेंस समझ गया कितना आया। अगर आपकी बात सही होती तो दोनों से आंसर क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था ना। देखिए कल जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का स्टार्टिंग है, इसमें पहला टॉपिक परम्यूटेशन है और उसके बाद है कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस दोनों चैप्टर में कंक्लूजन बहुत ज़्यादा होता है, जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ में आता है इसमें परम्यूटेशन लगाया कॉम्बिनेशन लगाया होता है ना सही, और आगे भी समस्या आती है क्योंकि फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सारे इसी की मदद से होते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यही एक पार्ट इसका यूज करता है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ, कहानी लगभग ये मान के चलिए आज से 1600-1700 साल पहले का या 1500 साल पहले की बात है। एक रईस फैमिली थी, तो उनके बच्चे स्कूल में जाते थे। सुनिए किसी कहानी है, हाँ क्या कहानी है बताओ। हाँ चलो इन्होंने सुन रखी, अच्छी बात है, लेकिन आपको सुना देता हूँ।
तो हुआ क्या, माँ बाप तो बच्चों के थे नहीं, दादाजी थे, रिच फैमिली थी, तो वो जो है बच्चे स्कूल से तांगे से जाते थे उस समय, और तांगे से भी आते थे। अब एक चीज़ का हुआ भी देखा होगा, अगर कहीं गाड़ी से भी जाए आज के, अगर दो ही बच्चे हैं तो लड़ाई होती है कि सीटों में इधर मैं बैठता हूँ, इधर मैं बैठता हूँ। अमूमन बसों में भी आपने देखा होगा कि लोग लड़ते हैं कि नहीं यार खिड़की की तरह मुझे बैठना है, मुझे सफोकेशन है, मुझे उल्टियाँ आती हैं, बस उस तरह के बहाने होते हैं। तो जब वो लड़ाई चलती रही, दादाजी बड़े परेशान हुए। उनमें एक बच्चा अरुण था, वो होशियार था, वो समझदार था। दादाजी ने अरुण को कहा, बेटा ये लड़ाई तो ऐसे चलती रहेगी, तो कुछ समाधान बताओ। सोचते रहे कि क्या समाधान होंगे। फिर एक दिन दादाजी के दिमाग में आया कि एक काम करो, कुछ एक ऐसा पैटर्न बनाओ, यानी कि सबके दिन फिक्स कर दो, इस दिन 1 तारीख में ये यहाँ बैठेगा इस शिफ्ट पे, 2 तारीख में यहाँ बैठेगा, 3 तारीख में यहाँ बैठेगा। तो उन कहने लगा, ठीक है दादाजी, मैं जितनी भी कंडीशंस हैं मतलब बैठने की 6 बच्चों की, मैं वो अपना कॉपी में लिखता हूँ। तो उसने लिखना शुरू किया अपना। अब दादाजी भी इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक है तुम लिख के ले आना, कल सुबह जो है मीटिंग है नीचे, सभी आ जाएंगे और सभी को बता दिया जाएगा भाई आपका टर्न ऐसे ऐसे। तो अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हुए, 1 सप्ताह हो गया, धीरे धीरे होते होते 3 महीने हो गए, अरुण दादाजी के पास नहीं आया। वो जो उन्हें रोस्टर बनाना था कि कौन सीट पे कब बैठेगा, ठीक है। फिर वो 3 महीने बाद आया कॉपी लेकर के, दादाजी कि मैंने जो है उनका बैठने का सीट जो उनका अरेंजमेंट था वो मैंने बना दिया। हालांकि दादाजी ये सोच रहे थे कोई बच्चा है छोटा भूल गया होगा, क्या पता नहीं ध्यान रहा उसके। तो दादाजी कहने लगे, 3 महीने बाद लेकर के आए, क्या बात। दादाजी लड़ाई नहीं खत्म हुई। कहने लगे, क्यों भाई। कि जो अरेंजमेंट बना है 6 बच्चों के बैठने का, उसमें जो रिपीटेशन है वो 720 दिन के बाद रिपीटेशन, इससे पहले किसी को सीट दोबारा वो रिपीट होने का ही नहीं। वो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब सीट तो मिल जाएगी भाई, स्वाभाविक है। सीट तो अगर 6 हैं तो 7वें दिन आपको मिल जानी है दोबारा वही सीट। यही कॉम्बिनेशन कहाँ बिगड़ रहा है, कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है कि लेफ्ट में उस समय कोई और होगा, राइट में कोई और होगा, और डेफिनेटली आमने सामने का भी डिफरेंस रहेगा। तो दादाजी कहने लगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है 6 सीटों के लिए, मतलब 720 अरेंजमेंट। दादाजी कहने लगे, मुझे यकीन नहीं, आप मुझे कॉपी ला के। उन्होंने अरुण से कॉपी मंगाई, उन्होंने कॉपी देखी, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब दादाजी ने 1 दिन 2 दिन इसको चेक करते रहे, उनको उन 720 अरेंजमेंट में से कोई भी 2 अरेंजमेंट कॉमन नहीं मिले, सारे ही अरेंजमेंट अलग अलग। दादाजी बड़े परेशान कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे निकले, अब 2 साल कौन वेट करेगा कुर्सी का, तो भाई मुझे सीट मिलेगी है तो बच्चे हैं तो वैसे नहीं मान रहे, इनमें तो लड़ाई होनी होनी है। तो चलो वहाँ उस स्तर तक उनको कोई सोल्यूशन नहीं था, वो अरेंजमेंट था, उस समय वो फॉलो किया नहीं किया वो अलग बात है। फिर एक समय ऐसा हुआ कि दादाजी के खेतों की पैमास हो रही थी, तो जो मापने वाले पटवारी आते थे उसने बताया कि सर 1 2 3 4 5 इन 6 खेतों का जो क्षेत्रफल आया निकाल निकल करके वो 720। अब दादाजी के दिमाग में एकदम वो बात क्लिक कर गई कि अरुण ने जो अरेंजमेंट बना कर दिए थे वो भी 720 थे, आज ये जो बता रहा है कि ज़मीन का जो क्षेत्रफल है वो भी 720 है, वहाँ भी 6 सीट थी, यहाँ 6 खेत हैं। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि 6 का और 720 का कोई ना कोई कहीं ना कहीं संबंध है। तो उन्होंने अपने गांव से जो मैथ का अच्छा टीचर था उसको बुलाया, उसे कहा कि कोई 6 में और 720 में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है तो बताओ। उन्हें भी पता लगा, फुरफुराहट धीरे धीरे हुई, होते होते धीरे धीरे बात पहुंच गई भास्कराचार्य के पास। भास्कराचार्य दिखते जब उन तक बात पहुंची तो उन्होंने उस संबंध को स्थापित किया, जो कि उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पे एक पुस्तक लिखी है मैथ की, लीलावती, फिर उसमें इन्होंने इसका सॉल्यूशन किया। और मैं बताऊं, भास्कराचार्य हमारे यहाँ पहले ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन की खोज कर चुके थे, लेकिन इसका क्रेडिट ले गए चाइना वाले लोग, विदेशी लोग, स्विट्जरलैंड के लोग। क्योंकि क्या हुआ कि
फार्मूले तो सारे यही थे, लेकिन सबका क्रेडिट उन्होंने लिया। अब ये अगर आप पढ़ोगे परम्यूटेशन में कि हाँ चाइनीज ने वो कंसेप्ट किया था, एक स्विस मैथमेटिशियन थे उसने ये दिया था, इसने हालांकि सारे जर्मनी क्या है लिया, क्योंकि उन्होंने जो है भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखी थी, जो कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, समझे, ज्योतिष भी जानते थे, खगोल विद्या भी जानते थे, मैथमेटिक्स भी जानते थे, समझे, लेकिन क्रेडिट दे गए विदेशों वाले। जैसे जीरो से नाइन तक के अंक किसने दिए, एक इंडिया वालों ने दिए, जीरो की जो खोज है वो भारत ने की, लेकिन वो अलग बात है कि किसी को नहीं पता कि किसने की पर्टिकुलर, पता तो है लेकिन श्योर नहीं है जीरो के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि छह सीटों का जो अरेंजमेंट है वो 720 प्रकार से हो सकता है। तो यही हमारा क्या है, परम्यूटेशन है, क्या बोलते हैं इसको, परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन देखिए, कुछ चीज़ें मैंने जो अपनी लाइफ में आज तक महसूस की है, इंग्लिश में तो इतना ईजी नहीं होता, लेकिन हिंदी में हमारे मैथमेटिक्स के जितने भी अधिकतर टॉपिक्स हैं उनके शब्दार्थ से, शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं ना, जो शब्द है उसके अर्थ से ही काफ़ी कुछ निकल जाता है। देखिए इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रमचय, क्या बोलते हैं, क्रमचय। अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं तो इसका बनता है कर्म प्लस चयन, चय है मैं, लेकिन इसको मैं चयन बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा सिलेक्शन या ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम कर्म यानी कि ऑर्डर का ध्यान रखें, जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, क्लियर हो गया, हिंदी से क्लियर हो रहा, लेकिन इंग्लिश से ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो हमने जो बताया था, एक क्रमचय बताया था और एक संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में मेन थिंग होती है हमारी अरेंजमेंट, क्या होता है, आगे क्लास मिस मत करना। और कॉम्बिनेशन में हमारा होता है सिलेक्शन, क्या होता है, सिलेक्शन, या इसको आप कह सकते हैं कलेक्शन या ग्रुपिंग। क्योंकि देखिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो मैथ में चलता नहीं काम, और सबसे बड़ी समस्या आ गई, आसानी से समझ में नहीं आती। बुक्स भी खोल कर बैठ कर पढ़ लोगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट थ्योरी और रिले ये वाले फंक्शन हैं, आगे अगर आप लिमिट में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, इसी तरह की थोड़ी ज्योमेट्री भी है हमारी, तो मतलब बुक्स पढ़ने से भी कंसेप्ट समझ में नहीं आते। तो इसलिए इस पर फोकस हमें बहुत ज़्यादा रखना है और कंपेरेटिव करना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब 11th 12th में पढ़ते हैं कि परम्यूटेशन एक सप्ताह पढ़ाया गया, ठीक है, अगले सप्ताह आप कॉम्बिनेशन पाए, इतना कॉम्बिनेशन पाए इतना परम्यूटेशन हम भूल लिए, और दोनों के क्वेश्चन अलग अलग हैं, परम्यूटेशन की अलग एक्सरसाइज है और कॉम्बिनेशन की अलग है, दोनों का ज्वाइंट क्वेश्चन नहीं दिए हुए। अच्छा, जब एग्ज़ाम में आता है फिर स्टूडेंट देखता है कि क्वेश्चन इसमें परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बस एक अरेंजमेंट और एक सिलेक्शन, बस इस चीज़ का आप अपना ध्यान रख लें, ठीक है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लो आप, अगर हमारे पास ए बी सी तीन डिफरेंट थिंग्स हैं, देर आर थ्री डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इन तीन में से दो को लेकर कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूँ टेकिंग टू एट ए टाइम फ्रॉम थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, टेकिंग टू एट ए टाइम फ्रॉम थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यहाँ हम मैनुअली बना के देखेंगे, ठीक है, यहाँ हम मैनुअली बना के देखेंगे कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए मैं ए बी भी ले सकता हूँ, बी सी भी ले सकता हूँ और सी ए भी ले सकता हूँ, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम ऑर्डर का भी ध्यान रखें तो
तो ये बी ए हो सकता है, ये सी बी हो सकता है, और ये ए सी। क्या इन छह अरेंजमेंट से ज्यादा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं। वही मैं कहता हूं कि मुझे इन तीन में से एक बार में दो लेकर के कितने ग्रुप बन सकते हैं, या कितने सिलेक्शन हो सकते हैं, या कितने तरह के कलेक्शन हो सकते हैं। अब तीन में से दो क्या ले सकता हूँ मैं, ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, और सी ए। जब मैं बात ग्रुप की या सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ए बी और बी ए एक ही चीज़ है, समझ रहे? ए बी बी सी में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो इसमें एक एग्जांपल मैं हो लेता, क्योंकि मैं इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा और। हाँ, वो थोड़ा ए बी सी आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने दूसरा बंदोबस्त किया हुआ है। दूसरा ये है, चलिए एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, और एक लेता हूं मैं लक्ष्मण। चलो तीन नाम होंगे, ठीक। मैं कह रहा हूं इन तीनों को, फर्स्ट बात कह रहा हूं मैं, अरेंजमेंट करना है। क्या करना है? कह का करना, चलो सीटिंग अरेंजमेंट करना है। इन तीन में से मैं कितनों को लूंगा? दो को लेकर के मुझे बैठाने। बैठाने का तरीका क्या हो सकता है? राम और श्याम को बैठाऊं, या श्याम लक्ष्मण को बैठा लूं, या लक्ष्मण और राम को बैठा दूं। अब बैठने की बात आई, राम पहले बैठा, श्याम बाद में बैठा, तो श्याम को पहले बैठा लूं, राम को बाद में, ये अलग हो गया। लक्ष्मण पहले और श्याम बाद में, राम पहले और लक्ष्मण बाद में, सारे के सारे अरेंजमेंट अलग हो गए, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि तीन में से दो को लेकर के मुझे ग्रुप बनाना है, या तीन में से मुझे दो लोग सेलेक्ट करने हैं। दो लोग चाहिए मुझे तीन में से। दो लोग कौन से हो सकते हैं? राम एंड श्याम भी हो सकते हैं, श्याम एंड लक्ष्मण भी हो सकते हैं, लक्ष्मण एंड राम भी हो सकते हैं। भाई दो दो के ग्रुप यही तो होंगे, ये इसके अलावा और कोई कंडीशन है? अब मैं कह रहा हूं कि मैंने राम और श्याम को सेलेक्ट किया, भाई राम और श्याम को सेलेक्ट कर ले, या श्याम और राम को सेलेक्ट कर ले, बात तो समझ रहे? तो यहां ऑर्डर का कोई इंपोर्टेंस नहीं, यहां ऑर्डर इंपोर्टेंट। जब भी कभी वो सिलेक्शन की बात करेगा, तो सीधा क्या समझना? कॉम्बिनेशन। और जब अरेंजमेंट की बात करे, तो वो परमुटेशन, ठीक है? फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, क्योंकि आपकी 12th की हुई है। बस एक चीज और समझ लो कि इफ देयर आर एंड डिफरेंट थिंग, इफ देयर आर एंड डिफरेंट थिंग एंड टेकिंग आर एट ए टाइम, एट ए टाइम, देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन आर एन पी आर, ठीक, विच आर इक्वल टू फिलिंग आर प्लेसेस बाई एन ओ। बस ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इस सही है, ज्यादा इसके चक्कर में फंसेंगे ना, एनपीआर इसके एनपीआर के चक्कर में, तो क्वेश्चन की गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी, ठीक है? पहले भी किया था, आपको भी आया था,
इसे नोट कर लो, मैं भी आएगी मीटिंग। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन था कि बस या ट्रेन में कितनी सीट हैं? छः सीट थी, और वो मैन या पर्सन उसमें चढ़े तो वो कितनी प्रकार से बैठ सकते, ये था ना। देखिए, अरेंजमेंट में कभी कभी इतना कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम देखते हैं कि एक कंसेप्ट हम अपनी तरफ से ही सोच सकते हैं, मैंने खुद का ही बना हुआ। हम ये देखते हैं कि जो च्वाइस है वो किसके पास है, किसके पास च्वाइस है, वो च्वाइस हमारा प्लेस का काम करता है। जैसे हमने कंसेप्ट कहा ना, विच आर इक्वल टू फीलिंग आर प्लेसेस बाई एन ऑब्जेक्ट, समझ रहे। जिसके पास च्वाइस होती है, अगर च्वाइस मेरे पास है तो मैं प्लेस का काम करूँगा, यानी कि जगह का। अब कैसे, इस ये क्वेश्चन था, सिक्स सीट हैं, दो मैन हैं, वो इन दो पर बैठ जाएं, इन दो पर बैठ जाएं, या इन दो पे, इन दो पे, इन दो पे, या इस दो पे, इस दो पे, किसी भी दो पे। एक तरीका तो ये है, टोटल पॉसिबिलिटी सिक्स हैं, बैठना कितनों को, दो, फैक्टोरियल सिक्स अपॉन सिक्स माइनस टू फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल और ये फोर फैक्टोरियल, यानी कि थर्टी आ गया हमारा। एक तो तरीका ही होता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ये तरीका भी फेल हो जाता है। यहाँ तो कर गया काम भी, बहुत सी जगह ऐसी पजल नैस होगी तो वो फेल हो जाएगा। तो हम उसकी सत्यता परखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ च्वाइस किसके सामने है, सीटों के सामने चॉइस है या आदमी के सामने? आदमी के सामने है, और जिसके पास चॉइस है मैंने उसे क्या कह दिया कि वो प्लेस का काम करेगा। तो आदमी कितने हैं, दो, दो, तो दो प्लेस मान लो, ठीक, प्लेस हो गए दो। अब इस पहले प्लेस चॉइस के लिए कितने ऑप्शन है, इसके लिए दूसरे के लिए, और जब फॉलोइंग होंगे एक दूसरे के द्वारा तो कितने हो जाएंगे, समझ रहे आप। ये बहुत दिमाग लगा के चीज निकाल ली गई, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करते हैं तो ये समस्या खड़ी होती है।
कि इसमें किसको हम स्पेस मानने, किसको क्या मानने, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है। एक है कि अगर 5 लेटर हैं और 6 लेटर बॉक्स, तो हम उनमें कितनी प्रकार से डाल सकते हैं। 5 लेटर हैं, देयर आर 5 लेटर्स एंड 6 लेटर बॉक्स। अब बताइए हम कितने प्रकार से उन्हें डाल सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या फार्मूला हम कितने 720 से भी ज्यादा लगा हो गया क्या। तो हम आगे बढ़ाते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बाद में देने के हमने पहले दे दिया। हम आगे कंटेंट पर चलते हैं, क्योंकि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे, दिमाग लगाओगे, जब तो कुछ मजा आएगा। हम एक्चुअली क्या है, यहाँ 11th 12th के ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते ना, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास कि हम इन क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे। हाँ तो मैं चाह रहा कि 4 नहीं तो 5 दिन ये करके समेट के 11th 12th का, तो फिर अपना कुछ जेगा देख लेंगे। अब यही फंसे रहेंगे, अच्छा अगर हमारे पास 9 डिजिट हो, 9 डिजिट्स हैं 1 to 9 तक, ठीक है, और 9 ही डिजिट की हमें संख्याएं बनानी हो, तो कितनी संख्याएं बनाएंगे। हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी तो संख्याएं हैं, 9 ही संख्याएं हैं, और 9 अंकों की 9 डिजिट की कितनी संख्याएं बनेंगी बताइए। क्योंकि वो जो आपने सीखा ना, वो 9P9 वो धरा रह सके कभी कभी, तो थोड़ा इसकी हैबिट बनाना जिस तरह मैं करूँ, बताइए। वैसे तो हमने बताया था, इफ देयर आर एन डिफरेंट थिंग्स एंड टेकिंग आर एट ए टाइम द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, जब भी संख्या की बात करेगा तो वहाँ परम्यूटेशन तो लगना ही लगना है। क्यों लगना है परम्यूटेशन, क्यों 3 2 4 2 3 4 4 3 2, डिजिट तो सेम है
लेकिन सबकी वैल्यू अलग है, तो इसलिए हमेशा हम कहाँ जाएंगे, परम्यूटेशन में। ठीक है, जब हम एन ऑब्जेक्ट्स में से आर लेके, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हैं एन पी आर, तो नाइन में से नाइन लेने हैं तो नाइन पी नाइन कितना होता है फैक्टोरियल नाइन, कैलकुलेट कर लो, नहीं करना तो यही आंसर लिख दो फैक्टोरियल नाइन। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, या दूसरा तरीका क्या है, हमें नौ डिजिट की बनानी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, इस पहली डिजिट को भरने के लिए कितने अंक डिजिट है हमारे पास, दूसरी को भरने के लिए ऐसे हो जाएंगी ना, क्योंकि ऑलरेडी एक हम फिल कर चुके, यहाँ एक डिजिट आ चुकी तभी तो अगली डिजिट ली, सारे प्रोसेस जो हैं फॉलो हो रहे हैं, इसलिए वी आर डूइंग मल्टीप्लाई टू ईच अदर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने कल दो रूल बताए थे, कौन कौन से रूल बताए थे भाई, एक रूल तो आप बताओ, जीरो का फैक्टोरियल होता है ना, अरे वो रूल थोड़ी बहुत फार्मूला है, एक एडिशन वाला बता दे, एक मल्टीप्लिकेशन वाला, हाँ मुझे वही बताओ, अच्छा मल्टीप्लिकेशन कब होता है, रिपीट नहीं होता, चलो आपकी तो माफी है, आप आए नहीं थे, हाँ भाई पूजा तुम बताओ, एडिशन तब होता है जब दो वस्तु में से कोई एक एक का कारण हो और दूसरा कारण ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जब और मल्टीप्लाई जब होएगा, जो पहले तो एक कार्य होगा तो उससे ही दूसरा कार्य होगा, मतलब उनसे कोई संबंध नहीं। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मैथ में क्वेश्चन करना सबसे आसान काम है, मैं यहाँ बता दूँ, मैं भी घर देखा जाऊँगा, पहले बुक में पढ़ा, सुनो मेरी बात, सॉल्यूशन देख लूँगा, वही सॉल्यूशन तुम्हें चिपका दूँगा आएगा 5-4, ये तो काम है ना। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पे आ जाऊँ तो 1.5 घंटे के लेक्चर में हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन हो सके, इससे ज़्यादा की नहीं होने के। और क्वेश्चन करना आसान इसलिए है, पता है मुझे इसके बाद ये होना, ये मतलब भाई कर लो आप भी उसे, जो मैंने 15 बता दिए वो तो कर लोगे, लेकिन जो 16 क्वेश्चन आएगा वो नहीं होने का आपसे फिर कहीं। तो कंसेप्ट समझना शुरू करो भाई, नहीं चलने का बिना कंसेप्ट के। देखिए यहाँ अरेंजमेंट और सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, और एक हमारा है दूसरा क्या है, एडिशन, एडिशन काउंटिंग और एडिशन, उन दोनों चीज़ों को आप चाहे नाम भी भूल जाओ लेकिन दो चीज़ें ध्यान दें। ठीक है, कोई घटना है इवेंट, ठीक है, या कोई वर्क है, एनीथिंग कुछ भी, कोई भी ऑक्यूरेंस अगर हमारा है, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ें घटित हो रही, कहीं आना आ जाना, उठना बैठना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन चीज़ें कितनी हैं, दो घटनाएं हो रही, दो इवेंट्स आर ऑकरिंग। अब ये क्या कहता है घटना में, वो कहता है कि अगर फर्स्ट इवेंट और एक सेकेंड, मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट इवेंट है उसके हैपनिंग टाइप जो है एम है, वो एम तरह से हो सकती है, सेकेंड इवेंट जो है वो एन तरीके से हो सकती है, समझ रहे हो, कंडीशन ये है कि फॉलोइंग है, ये क्या है फॉलोइंग का मतलब, जितने प्रकार एम प्रकार से हो रही है, कैसे हो रही है, एक प्रकार दो तीन डॉट 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 करके एम टाइप से हो सकती है, ये एक से डॉट 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 एन टाइप से हो सकती है, लेकिन दोनों घटनाएं ऐसी है कि पहले इनमें से किसी एक टाइप से ये घटित होगी, उसी के बाद इनमें से किसी एक से घटित होगी, फॉलोइंग होगी, यानी कि ये इवेंट इस इवेंट का फॉलो तभी तो करेगी ना ये, तो उस कंडीशन में
उस कंडीशन में दोनों इवेंट्स के होने की, बोथ इवेंट का जो होने का जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन है वो एम क्रॉस एन है, यानी कि दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने का ये जो क्रमचों की संख्या है वो एम इंटू एन है। क्यों है? मान लिया ये वाली घटना नंबर एक तरह से हुई, इसके सामने कितनी चॉइस हैं, कितनी चॉइस होगी भैया, एन होगी ना, इसकी पहले के पास भी, दूसरे के पास भी, तीसरे के पास भी, सबके पास कितनी होगी, तो टोटल कितनी होगी, एक एन, दो एन, तीन एन, चार एन, कहाँ तक चले जाएंगे, एम एन तक, समझ गए। लेकिन दोनों घटनाएं साथ घटित हो, क्लियर। यहीं पर अगर कुछ पूछ रहे थे, यहीं पे अगर दोनों इवेंट्स ऐसी हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जक, यानी का दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उस स्थिति में दोनों में से या किसी एक के घटित होने, ठीक, घटित होने ये जो क्रमचय हुए लेकिन नंबर ऑफ परम्यूटेशन एनी वन ऑफ दिस ऑकरेंस विल बी एम प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, दोनों इवेंट्स में से कोई एक इवेंट होगी, इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे, एम प्लस, समझ में आ रहा, इतनी हिंदी इंग्लिश ठीक है इतनी, तो हिंदी ज़्यादा बोल रहे। एक्चुअली क्या है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर आप डेफिनेशन बुक है आपके पास 11th वाली, हाँ तो बुक लेकर आया करो, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज में इशू रहता है। अब इंग्लिश वालों को पढ़ाऊंगा तो हिंदी वाले को हो जाएंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जो पहले वाला था इसके लिए लिखा हुआ ना, इफ एन इवेंट कैन ओक्यूर इन एम डिफरेंट वे, ठीक, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन ओक्यूर इन एन डिफरेंट वे देन द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज एम मल्टीप्लाई बाई एन। तो दूसरा हमारा है इसमें, मुझे लगा इस बुक में साथ दिया हुआ ही नहीं, डेफिनेशन ही है बस दो लाइन की। यहाँ जो ऑपरेंस है वो फॉलोइंग है, वहाँ फॉलोइंग नहीं है, देन वन ऑफ देन विल बी ओक्योर एम प्लस एन टाइप। चलिए इससे प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा था,
देखिए हम जो पढ़ रहे थे नंबर ऑफ परम्यूटेशन पढ़ रहे थे, जब हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हमारे पास गिवन थी और टेकिंग r एट ए टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन फ्रॉम n डिफरेंट थिंग when taking r at a time, क्या थी np r, समझ रहे आप, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स में से r लेकर के जो बने क्रमचों की संख्या है वह np r है। अब कंडीशन हमारे पास आ रही है if repetition is allowed, repetition, रिपीटेशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम रिपीट कर सकते हैं। अब तक हमने जो बनाया था, क्या बनाया था हमने, जैसे हमारे पास स्पेस होता था कि हमारे पास एक ये इसलिए बनाने पड़े क्योंकि अभी तक इस तरह का आपने एक ही क्वेश्चन किया जिसमें हमारे पास डिजिट थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। हमने इसके लिए जो परम्यूटेशन बनाया था, जो एन पी आर था, हमने कैसे बनाया था, इसके सामने कितनी चॉइस है, 9। जब एक डिजिट यहाँ कोई सी आ चुकी तो आगे डिजिट कितनी बची, 8। ऐसे था क्योंकि इसमें रिपीट नहीं था। अब जब आप रिपीट कर रहे हैं तो इसके सामने भी कितनी चॉइस है और इसके सामने भी 9 ही है, सभी के सामने। जहां आंसर वहां से हमारा 9 फैक्टोरियल आया था, यहां से 9 की पावर 9 आया, समझ रहे। तो r प्लेसेस है फिल बाय n ऑब्जेक्ट, फिल्ड बाई एंड ऑब्जेक्ट एंड रिपीटेशन इज अलाउ, देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी आर की पावर एन होंगे या एन की पावर आर होंगे, मुझे ये बताओ। ये वाले होंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट तो नहीं करना है,
हाउ मैनी नंबर ऑफ थ्री डिजिट between 99 to 1000. ये क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी नंबर ऑफ थ्री डिजिट बिटवीन 99 to 1000 कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7. क्वेश्चन आ गया, हो गया क्वेश्चन से समझ में आता करो से करके दिखाऊंगी जी.
100 फैक्टोरियल क्या आएगा भाई? 100 फैक्टोरियल सुबह से शाम तक हो जाएगी मल्टीप्लाई करते हो। कैलकुलेटर एक्सपोनेंशियल दे देता ये इनफाइनाइट दे देता हूँ। हाँ भाई हाँ चल व्हाट डिड यू डू Three digits: 1, 2, 3, and we form by digits. कितने digit हमारे पास? 7. Places कितने? 3. 7 में से 3 लेगा arrangement, कितने बनेंगे? 7 p 3 7 factorial 4 factorial 7 6 5 upon 4 factorial into 4 factorial this is equal to 2 10. यही आया ना? ठीक है समझ में आ गया या नहीं आया बताओ? आया नहीं का? हाँ समझाऊंगा तो पहले ना बताओ ये गलत है का तरीका? ये तो सही है सर। ठीक है इसके सामने कितनी चॉइस हैं? 7 digit कोई भी आ सकती है। इसके लिए 6 और इसके लिए 5 तीन लोग मल्टीप्लाई कर दो दैट इज आंसर। अरे तो बेवकूफ बनाने को दे रखा 99 के बाद 3 डिजिट कौन सी होगी? 100 299 भाई 3 ही डिजिट की तो होगी वाह। क्या 2 डिजिट की हो सके इसके बीच के ना 4 डिजिट की होगी। ठीक है कभी कभी आपने खराब दिन देखे हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें इतने लेंथ ही होंगे फालतू की पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी हुई होंगी भाई जरूरत की नहीं होंगी और जो जरूरत की होगी वो लास्ट की पहली या आखिरी लाइन में होगा उससे क्वेश्चन हो जाता है समझ गए। यहाँ तक बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कोई इसमें इशू नहीं लेकिन अब इशू हो सकता है क्वेश्चन सेम है नहीं डिजिट तो मैं सेवन है मैंने वन हटा दिया जीरो लिख दिया अब 3 डिजिट की बननी है अब बताइए आंसर क्या आएगा। घर जाकर पढ़ो से अच्छी तरह चैप्टर को यही होगा ना बताऊंगा यहाँ भी जीरो आएगी ना परेशान करेगी जब भी कंडीशन लगाएगा वो कुछ भी फार्मूले तो इसके परमोटेशन के दो और रह रहे फार्मूले नहीं इसमें इतने हैं परेशान करते परेशान क्वेश्चन करें इसके लिए कि उन फार्मूले से हम इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। देखो अगर हम वो चीज़ लेके चलें 6 p वाली कि हमारे पास कितनी है तो वो उसमें हम फंसेंगे। कामयाब यही चीज़ है 3 डिजिट हैं 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। देखिए इस फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस है अगर यहाँ हम 0 रख देंगे तो 2 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगा तो वो तो बाहर करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ चॉइस कितनी इसके सामने है? इसके सामने 6 भाई अगर हमने सपोज करो इसके लिए तो ये नहीं ले सकते बाकी तो ले सकते हैं 6 होगी एक डिजिट यहाँ आ गई आगे और डिजिट कितनी बची अब 6 बची ना एक यहाँ आ गई आगे कितनी बची 5. ठीक है तो यहाँ इसकी हैबिट बनाओ इसकी इसमें फिर जो गलती होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम
एक क्वेश्चन हो रहे देखिए आप हाउ मैनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म ऑफ थ्री डिजिट नंबर फ्रॉम 1, 2, 3, 5, 7 हमारे पास ये 5 डिजिट हैं, इन डिजिट्स को लेकर के कितनी 3 अंकों की सम संख्याएं इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं। जोड़ के हाँ हाँ जोड़ पेन कॉपी आपके हाथ में जोड़िए कटाइए गुणा भाग जो करना है वो कीजिए। इसमें बता रहा हूँ कि आंसर 12 है। चलो कितना हिट दे रहा हूँ, आंसर इज 12। करो कुछ ना कुछ बंदोबस्त।
गया आया नहीं, इतना छोटा सा आंसर लाना था 12, सिर्फ कर देते 6 + 6 = 12 या 4 × 3 = 12। चलो देखो यहाँ एक कंडीशन लगा दी इसने, इवन नंबर होना चाहिए ठीक है, दूसरी क्या है कि 3 डिजिट होना चाहिए, तीसरी बात है कि इन्हीं डिजिट में से लेना ठीक। अगर सिंगल डिजिट की बात करते तो 2 होता, अब जब 3 डिजिट है, 3 घर बना दूं, कौन रहना चाहेगा? 3 घर हो गए, 3 डिजिट, यहीं तो आगे बैठे की संख्या ही है। अब इवन नंबर है तो यहाँ क्या आ सकता है? यहाँ कौन सी डिजिट आएगी जब नंबर इवन होगा? इन डिजिट में से कौन सी डिजिट यहाँ आए जब नंबर इवन बनेगा? 2 ही आएगा ना यहाँ, और तो कुछ नहीं आ सकता है, और कुछ भी आ सकता है? इसका घर पक्का हो गया, ये नहीं यहाँ से हिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब ये नहीं हिलेगा है भाई साहब, आके यहाँ बैठिए। अब ये 2 स्पेस बचे हमारे पास, और डिजिट कितनी है इनमें से ही आ सके। यहाँ कितनी चॉइस है इसके पास, और इसके पास 3 नंबर्स डिजिट कब बनेगी? जब ये सारी कंडीशन एक दूसरे द्वारा फॉलो हो। इसका इस 2 की थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो इसने जगह पक्की कर ली अपनी भाई। इसमें हम इसलिए किसी को बैठा रहे क्योंकि इसमें तो कोई भी आ सके, लेकिन इसकी जगह फिक्स होगी। तो कितना हो गया, समझ में आया? अब आइए, हाउ मैनी इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाई 3 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस? अगर मैं 3 की जगह 4 डिजिट कर दूँ तब क्या क्वेश्चन है? ठीक है, अब अगर ये 4 डिजिट नंबर हो, 1, 2, 3, 4, तो फिक्स। इसके लिए कितने ऑप्शन है? इसके लिए अब कितने नंबर बन जाएंगे? 24। यहीं पर इसमें अगर मैं रिपीटेशन अलाउ कर दूं, रिपीटेशन क्या कर दूं मैं अलाउ, तो कितने बनेंगे? 4 हो जाए ठीक। अगर मैं रिपीटेशन अलाउ कर सकता हूँ तो 2 तो फिक्स हो गया। यहाँ कितनी चॉइस हैं? 5, और यहाँ भी 5, क्योंकि 2 भी तो रख सकते हैं बार बार, क्या दिक्कत है हमें? तो कितने हो जाएंगे? 25, और यहाँ अगर कर दें तो 125 ठीक है। अगर कहीं इनमें एक आधी डिजिट 0 होती तो और पजल कर देता। सपोज करो इसको हटा दूं, 0 कर दूं, और क्वेश्चन कौन सा बना दूं मैं 4 डिजिट का, तब क्या आंसर होगा? 1, 2, 3, 4 2 तो फिक्स हो गया। यहाँ कितने डिजिट बची अब? 3 यहाँ के लिए 3 बिना रिपीटेशन के भी भाई 0 यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ अगर 0 काउंट कर लें तो 3 होगी। यहाँ 3 × 3 = 9 × 2 = 18 समझ रहे? ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बताते होंगे, यानी अलग अलग क्वेश्चन हर एक के लिए अलग चिपकाए जाओ, वहाँ फिर कन्फ्यूजन होता है ठीक है। अब मैं लगभग एक ही क्वेश्चन से 5-6 तरीके का आपको बता चुका हूँ, तो आप और क्वेश्चन भी करके देखना ठीक है। उधर की छुट्टी होगी ना, क्लास ज़्यादा पहले शुरू हुई थी क्या मेरे से? उनकी तो चालू हो गई थी सर, आप 5-6 एक क्वेश्चन ही हो गया, एक क्वेश्चन ही हो गया।
क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है क्वेश्चन क्या दो, मैं तो सारे बता दिए, ये पूरी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज की इसी तरह क्वेश्चन दे रखे हैं सारे के सारे, एक ही क्वेश्चन करने वालों क्या तुम्हारे आपके लिए होमवर्क है, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, परमुटेशन when all the objects are not distinct। अब तक हमने जो निकाला था परमुटेशन, वो निकाला था कि जो सारे ऑब्जेक्ट थे वो डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे। अब हो सकता, हाँ ठीक है, जो n हमने लिए थे वो सारे डिफरेंट थे। अब हम परमुटेशन तब निकाल लेंगे जब उन n में से कुछ सिमिलर होंगे, जिसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, पढ़ा है ना ये इसका। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आपकी जो बुक में कहीं जितनी भी अवेलेबल हो उसे जरूर पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन मैंने एक लेटर वाला दिया हुआ है, उसको आप करें।